तो बच्चों, हमने अपने सातवें पाठ भूरा पत्थर का कुछ पठन किया है। अभी शेष भाग भी हमारा बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में हमने सुनंदा के बारे में पढ़ा। सुनंदा कौन थी? एक छोटी लड़की थी। यह स्कूल से अपने घर लौट रही थी और इसके साथी इसे आगे चले गए थे। क्यों आगे चले गए थे? क्योंकि सुनंदा को एक गोल सा भूरा पत्थर मिल गया था और वह उसे ठोकर मारते हुए अपने साथ उसे भी अपने घर ला रही। तो वह इस भूरे पत्थर पे ही व्यस्त हो गई थी। उसने उसे गेंद मानकर उसको अपने साथ घर ले चलने का प्रयास किया। इसी चक्कर में इसीलिए उसकी सखी, उसकी जो सहेलियां उसके साथ चल रही थी, वे काफ़ी आगे चली। उसके बाद हमने देखा कि वह साधारण पत्थर नहीं था। जब पत्थर सुनंदा के घर में आया, उसने ध्यान से घर की चीज़ों को देखना शुरू किया। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, वह एक जीवाश्म था। जीवाश्म क्या होता है? जीवों का अंश जो कि लाखों वर्ष से कहीं चट्टान में दबा था, तो इस कारण से उसे जो घर की चीज़ें हैं वो काफ़ी नई लगी, क्योंकि उससे पहले उसने उन्हें नहीं देखा। तो आगे हम लोग ने क्या देखा कि उस जीवाश्म ने सुनंदा के घर में ध्यान से चीज़ों को देखना शुरू किया और उनकी आवाज़ें सुनने लगी। उसने घर घड़ी की टिक टिक और चूहों की भागदौड़ भी पहली बार ही सुनी थी। फिर क्या हुआ? इसी बीच में सुनंदा का जो दुपट्टा था भूरे पत्थर पर गिरा और पत्थर को कुछ न दिखा। फिर सवेरे सवेरे उसकी आँख कैसे खुली? जब उसने सुनंदा को कुछ ढूंढते हुए देखा। सुनंदा क्या कह रही थी? अरे यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुँचा दिया। तो वह उसे अपना दुपट्टा मिल रहा था, वो अपने दुपट्टे को ही ढूंढ रही थी और दुपट्टे के नीचे वही भूरा पत्थर था। सुनंदा ने दुपट्टा ले लिया था, एक ठोकर फिर उस भूरे पत्थर को मारी और इस बार वह पत्थर फिर दरवाजे के पास तक पहुंच गया। अब तक हमने यहाँ तक पाठ का पठन और व्याख्या की थी। अब बच्चों, शेष पाठ को हम अब पढ़ने चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। तो उस पत्थर की किस्मत फिर से बिगड़ने वाली थी, क्योंकि वह घर से फिर दरवाजे तक आ गया था। सुनंदा ने ही उसे ठोकर मार के दरवाजे तक पहुंचा दिया था और उस पत्थर पर सुनंदा के पिता की नज़र गई। उन्होंने सोचा कि अरे शायद ये कहीं से पत्थर आ गया है, और उन्होंने उसे उठा लिया और उसको बस फेंकने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ सोचा और रुक गए। तो इस बार यह भूरा पत्थर सुनंदा के पिता के हाथ में। वे उस पत्थर को देखकर रुक गए, उनके मन में कुछ विचार आया। फिर क्या हुआ? वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिरा कर देखने लगे। अब उन्होंने बड़े ध्यान से उस पत्थर को देखना शुरू किया। चारों ओर से उन्होंने पत्थर को घुमाया तथा देखा। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। उसके बाद उन्होंने सुनंदा से कहा कि बेटी, जाके हथौड़ी लेके आओ। और सुनंदा को भी समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी अब क्या करेंगे, क्योंकि पिता के हाथ में पत्थर था और वे हथौड़ी मांग रहे। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर
वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसे भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन पिता के उसने आज्ञा का पालन किया। दौड़ करके वह हथौड़ी को ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। उन्होंने जांच परख करने के लिए पत्थर कैसा है, उन्होंने पत्थर पे एक वार किया, एक चोट की, पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर जा गिरा। ये नया शब्द है दरका, ये एक हमारा नया शब्द है, इसको लिखते हैं। जब कोई कठोर चीज होती है जैसे पत्थर जैसी चीज, अगर हम इसको हथौड़े मारेंगे तो सबसे पहले इसमें दरार पड़ेगी, हम लोग इंग्लिश में क्रैक बोलते हैं, और दरार को दरकना भी बोलते हैं। इसमें एक निशान बन जाती है और पत्थर वहीं से टूटता है। पत्थर में जो निशान बन जाता है, एक आड़ी तिरछी कैसी भी रेखा बन जाती है, और पत्थर फिर वहीं से ही टूटता है। तो जो दरार हम कह सकते हैं, दरकना तर्फ दरार या निशान ही है जहाँ से पत्थर टूटता है। तो उन्होंने ऐसे चोट की कि पत्थर में एक दरार पड़ी और फिर वह भाग टूटकर दूर जा गिरा। तो मतलब उनकी जो चोट भी थी बड़ी सोची समझी थी, वे जहाँ से पत्थर को तोड़ना चाहते थे वहीं से उन्होंने उस पर वार किया, चोट किया, और पत्थर भी वहीं से दरका। दरका का अर्थ है उसमें दरार पड़ी और पत्थर वहीं से टूटा। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। उसका एक हिस्सा तो शायद पिताजी के हाथ में रह गया, पास रह गया, दूसरा भाग वह दूर तक चला गया। फिर क्या हुआ? सुनंदा उत्सुकता से बोली, बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि आज तक तो मैंने पिताजी को कभी हथौड़े से पत्थर को तो तोड़ते नहीं देखा था। तो इसीलिए उसने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? वह जानना चाहती थी कि आपने पत्थर को क्यों तोड़ा, इसका क्या मैं अर्थ समझूं। पिता के चेहरे पर प्रसन्नता भी झलक थी। अब उसके पिताजी काफ़ी प्रसन्न दिख रहे थे। ये क्यों खुश थे हम जानते हैं। तो एक नया शब्द है उत्सुकता, उत्सुकता जिज्ञासा। बच्चे उत्सुक होते हैं कोई नई चीज़ के बारे में जानने, तो इसे बोला जाता है उत्सुकता। बोला उत्सुक में आदमी जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो है उत्सुकता। तो सुनंदा उत्सुक थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि पिताजी ने पत्थर को क्यों तोड़ा, और पिताजी फिर पत्थर को तोड़ के काफ़ी प्रसन्न हो। शायद उनको वही चीज़ चाहिए था जो वह तोड़ करके देखना चाहते थे। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा देखो, यह तो फॉसिल है। और उनके पिताजी जितना सुनंदा उत्सुक थे, उनके पिताजी उतने ही खुश थे क्योंकि उन्होंने एक नई खोज की थी, उन्होंने फॉसिल ढूंढ लिया था। फॉसिल क्या होता है बच्चे? जीवाश्म। फॉसिल एक इंग्लिश का शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवाश्म, जीव के बचे हुए अंश। और यह जीव कितना पुराना होता है? लाखों या करोड़ों वर्ष भी पुराना हो सकता है। तो जीवाश्म लाखों या करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वह पत्थर का टुकड़ा सुनंदा को दिखाते हुए कहा कि देखो सुनंदा देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। तो ये उन्होंने उस फॉसिल को सुंदर कहा क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था।
अधिकतर क्या होता है, हमें पुराने जीव क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि वह ढंग से संरक्षित नहीं रह पाते। वही पत्थर, वही फॉसिल, वही जीवाश्म अधिक समय तक संरक्षित रहता है, सुंदर बना रहता है, जो प्राकृतिक रूप से वह बचा हो। जैसे किसी नदी के तलहटी में, झील के तलहटी में, समुद्र के तलहटी में अंदर चला जाए और दब जाए, और फिर हजारों लाखों साल के बाद वह चट्टान बन करके, पर्वत बन करके वह बाहर आ जाता है, तब हमें फॉसिल मिलती है। तो ये ऐसे फॉसिल काफ़ी कम होते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। अधिकतर जो जीवाश्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं कुछ ही 100 सालों में। लेकिन यह जीवाश्म जो था, फॉसिल था, वो काफ़ी अच्छे अवस्था में था, इसीलिए उन्होंने उसे सुंदर और पूर्ण कहा। पूर्ण मतलब यहाँ वह पूरी तरह से था, और सुंदर मतलब वह संरक्षित था, उसका कोई ज़्यादा उसको नुकसान नहीं हुआ था, वह संरक्षित था मतलब बचा हुआ। और इसका संरक्षण कौन करता है? प्रकृति। यह प्राकृतिक रूप से ही संरक्षित हो जाती है। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। तो उसके पिताजी ने कहा कि ऐसा फॉसिल तो सचमुच इतना अच्छा, सुंदर और पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस कारण से वे काफ़ी खुश थे। एक फॉसिल भी ढूंढ लेना बच्चों एक खोज के बराबर ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ खोजता है, उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को फॉसिल मिल जाता है तो एक नई खोज के बराबर हो जाता है, और उसे लगता है कि उसने सब कुछ कुछ उपलब्धि वाला काम किया है। तो यहाँ भी सुनंदा के पिता को यही खुशी हो रही थी कि अरे उनके द्वारा एक फॉसिल खोजा गया, क्योंकि ये किस्मत की ही बात थी कि उनकी नज़र उस पत्थर पे सही समय पे पड़ गई। वरना तो खुद सुनंदा के पिता उस भूरे पत्थर को बाहर फेंकने ही जा रहे। फॉसिल, यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। अब सुनंदा ने यह शब्द भी पहली बार सुना था, फॉसिल। ये इंग्लिश का शब्द है बच्चों, इसका अर्थ है जीवाश्म। हम लिखते हैं, ये फ है, अब बना फ और उसके बाद में फ, फिर लिखेंगे स में छोटी ई की मात्रा, सिर्फ ल। फ में जब हम नुक्ता डालते हैं तो ये फ बन गया फ, और इसे फॉसिल, फॉसिल। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? फॉसिल। और हिंदी में इसे जीवाश्म कहते हैं। जीव के का जो अंश है जीवाश्म, और मेल लाखों से लेकर करोड़ों वर्ष पुराना तक हो सकता है, और यह अनमोल होता है, क्योंकि बहुत ही कम अच्छी अवस्था के फॉसिल हैं जो अभी मिले हैं। वैज्ञानिकों के ये काम की चीज़ है, वे इसे अपना शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तथा उस जीव के बारे में कि करोड़ों साल पहले वह जीव कैसे था, कैसे रहा करता था, और अब से उसमें क्या बदलाव आया है, या वो विलुप्त हो गया तो क्यों विलुप्त हो गया, उसका क्या कारण था। तो वैज्ञानिकों को बहुत सी बातें फॉसिल से ही पता चल सकती है, क्योंकि इसके अलावा लाखों वर्ष पहले तो, करोड़ों वर्ष पहले तो मनुष्य भी नहीं थे। तो इसलिए ये एक उपलब्धि होती है। अगर फॉसिल मिल जाए तो व्यक्ति, खासकर जो वैज्ञानिकों के काम की ये चीज़ होती है, वो भी उससे उस जीव के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रमाण के साथ, केवल अंदाज से नहीं, प्रमाण के साथ। फिर क्या होता है, हम आगे चलते हैं। अब पिताजी सुनंदा को बता रहे हैं कि चट्टानों में सूख कर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष का
अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इसमें ध्यान से समझना है बच्चों, ये जब कभी कोई लाखों वर्ष पहले जो जीव मर जाता है और सूखकर कठोर हो जाता है, तो कभी कभी तो हमें उसका अवशेष मिलता है और कभी कभी तो उसका केवल छाप मिल जाता है। जैसे कोई पत्ता है, अगर वह किसी चट्टान पे गिरा, दब गया और वह फॉसिल में बदल गया, तो हमें केवल उसकी छाप मिलेगा। तो छाप, केवल छाप को भी हम फॉसिल कह सकते हैं। अगर उसका निशान हमें मिला तो वह फॉसिल कहलाता है। तो फॉसिल कैसे बनता है? चट्टान के बीच में दबकर सूखकर कठोर हो जाता है। इसमें ये चाहे पौधे का भाग हो, चाहे किसी जीव का भाग हो या जीव का छाप हो, वह फॉसिल कहलाता है। तो इसमें हमें जीव का कोई अंश मिल जाए या जीव का छाप, कभी कभी हमें पत्तों के केवल छाप मिलते हैं, तो पत्तों के छाप से भी हमें पता चल जाता है कि इस पत्ते की संरचना कैसी थी, इसका आकार कितना बड़ा था। तो इससे भी वैज्ञानिकों को काफी सहायता मिलती है। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। लाखों वर्ष पहले न तो कैमरा हुआ करते थे, न कोई किताबें थी जिससे हमें इस जीव के बारे में पता चले, तो यही जीवाश्म हमें एक तरह से ज्ञान कराते हैं, बताते हैं। तो यह हम कह सकते हैं ये लाखों वर्ष पुराने के इतिहास की किताबें ही समझें। वैज्ञानिक इनसे तरह तरह के तथ्यों का पता लगाते हैं कि कैसे हजारों साल में जीवों में बदलाव आता है। जैसे हमने वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो मगर है, मगरमच्छ जो है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे करोड़ों वर्ष जैसे पहले थे, वे आज भी उसी तरह हैं, उनमें बदलाव नहीं आया। तो ये जानकारी कहाँ से पता चला उन्हें? उन्हें फॉसिल से ही पता चला कि जीव अपने में बदलाव तब लाता है जब वह उसे कोई नई ज़रूरत होती है या उसकी ज़रूरत के हिसाब से वह अपने आप को ढालता है, बदलता है। तो अगर किसी जीव में करोड़ों साल में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसका ये अर्थ है कि वह जैसा करोड़ों वर्ष पहले था अभी भी है, मतलब वह एक सफल जीव है। उसको अपने में बदलाव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पृथ्वी पे अच्छी तरह से रचा बसा है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है जिससे हमें ये सब हमें फॉसिल से ही पता चला। तो फॉसिल का हिंदी नाम है जीवाश्म। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाश्म। ये जीव हो गया, जीव मतलब जिसमें कभी जान हो, जीव का अर्थ है जिसमें जान हो, जीव का। और जीव का जो अंश है, जो बचा हुआ है, जीवाश्म, जीवाश्म। तो जीव का अंश जो कि शेष बचा हुआ है, उसे जीवाश्म कहते हैं और इंग्लिश में इसे फॉसिल के नाम से जाना जाता है। देखो सुनंदा, अब पिताजी सुनंदा को उसी पत्थर के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है। तो फर्न एक सजावटी पौधा होता है, ये आपने इसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा। तो उस पत्थर में उस फर्न का ही जीवाश्म था। तो पिताजी ने उसे बड़े ध्यान से दिखाया कि देखो, इसमें फर्न पूरी तरह अपनी शाखाओं के साथ दिख रहा है और ये कितने सुंदर रूप से अंकित है। अंकित का यहाँ पे अर्थ है कि यह दर्ज है, अब तो फर्न नहीं है, केवल फर्न का निशान है जो पत्थर में काफ़ी अच्छी तरह से दर्ज है, अंकित है।
तो एक नया शब्द ये भी है हमारा कि अंकित का मतलब होता है जो पूरी तरह से दर्ज हो, अंकित छपा हो, दर्ज हो, हम कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वह फर्न के पत्ता तो नहीं था, केवल फर्न के पत्ते का छाप था पूरी अपनी शाखाओं के साथ। तो व्यक्ति केवल उसकी छाप से ही पता पहचान लगा दिया उनके पिताजी ने कि यह तो एक फर्न का पत्ता है अपनी शाखाओं के साथ। अब उनके पिताजी इतने जानकारी कैसे पता लगा रहे थे, अब बताया गया है कि सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। उनके पिता, सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे और इस कारण से उन्होंने उस फॉसिल को काफ़ी आसानी से पहचान लिया। सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्होंने फॉसिल के बारे में जान लिया, उस पत्थर को फेंका नहीं तथा उसको तोड़ करके जो फर्न का पौधे का जो छाप था उसका उसके बारे में सुनंदा को भी उन्होंने बताया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो छाप काफ़ी नया जैसा लगता है, जैसे कि कुछ दिन पहले की ही बात हो, यह चट्टान के अंदर दब गया हो और उसका निशान या छाप पड़ गया हो या चट्टान में वह अंकित हो गया। अंकित का मतलब छप जाना। तो उसे लगा, तो पिताजी ने कहा नहीं, ये तो लाखों वर्ष पहले की बात है, लेकिन यह जीवाश्म में काफ़ी अच्छी अवस्था में है, यह खराब नहीं हुआ है, इस कारण से यह काफ़ी अनमोल है। और सुनंदा ने इसे छू करके अपने हाथ में पकड़ के बड़े ध्यान से उस जीवाश्म को देखा। सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। अब पिताजी ने उसे दूसरा आदेश दिया कि इसको रख दो, ये बड़े काम की चीज़ है और ख़ासकर यह वैज्ञानिकों के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ होती है, वे उस पर शोध करते हैं, शोध का अर्थ होता है रिसर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जमा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी जानकारी से वे उस लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म के बारे में बाकी लोगों को, आम लोगों को, अन्य वैज्ञानिकों को बता सकते हैं तथा उनका भी ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की विज्ञान की अलमारी में रखी अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। अब ये पत्थर की बात कहा गया है कि वह पत्थर कहाँ गया, उसके पिताजी ने उसे अपने विज्ञान की अलमारी में रखने के लिए कहा। वैज्ञानिक तो वे थे ही, वे नहीं चाहते थे कि ऐसा फॉसिल कहीं खराब हो, इसीलिए उन्हें संभाल कर सावधानी पूर्वक उसे रखने के लिए कहा। अब वह पत्थर नहीं था। पाठ में हमने शुरू में उसे भूरा पत्थर कहा, उसको पत्थर ही माना था, यहाँ तक कि सुनंदा ने उसे ठोकर मार के गेंद समझ की अपने स्कूल से घर ले आई थी, लेकिन अब वह पत्थर नहीं था। अब वह क्या था, अब हमें उसका नाम पता चल गया था, वह फॉसिल था जिसे हम जीवाश्म भी कहते हैं और यह बहुत ही दुर्लभ आसानी से नहीं मिलते। फॉसिल हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, इसीलिए जब भी किसी वैज्ञानिक को फॉसिल मिलता है वो उसे सावधानीपूर्वक संभाल के रख देता है ताकि भविष्य में वह उस पर और शोध कर सके। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। तो अब इसमें उस फॉसिल की बात किया है कि जब भी उनके घर में कोई अतिथि आता था, आप जानते ही हैं
वैज्ञानिक के घर में उनके अन्य दोस्त भी आते होंगे, जो भी हो सकता है कुछ वैज्ञानिक भी हों। तो पिताजी अपने अलमारी से वह फॉसिल को मंगवाते होंगे तथा उनको दिखाया जाता होगा, देखो मेरी बेटी सुनंदा ने एक फॉसिल ले आई थी अनजाने में और हमने इसकी खोज की है, यह एक फर्न के पौधे का फॉसिल है। ऐसे करके शायद सुनंदा के पिता अपने मेहमानों को, अतिथियों को बताते थे और पत्थर यह सुनकर के बहुत खुश होता था। फूला ना समाना एक मुहावरा है, फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो वह पत्थर भी अपनी उपलब्धि पे, उसको भी एक ठिकाना मिल गया था। इस बार वह और ज़्यादा अधिक सुरक्षित था, वह एक वैज्ञानिक के घर में चला गया था और उस वैज्ञानिक ने उसे संभाल के रखा। तो इस पत्थर को भी अपनी उपलब्धि पे बड़ी खुशी होती थी, वह फूला ना समाता था। तो बच्चों इस पाठ में एक मुहावरा तो हमने खोज लिया, फूला ना समाना। फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो एक मुहावरा है, इसको भी लिख देते हैं, हमारे पाठ में एक ही मुहावरा आया है। ये तो शब्द रखते हैं कुछ, हमारे इस पाठ में एक ही मुहावरा है और वह है फूला ना समाना। फूला न समाना, फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। तो इस पाठ का एक मुहावरा आएगा फूला ना समाना, अर्थात बहुत खुश होना। अब इसमें एक दो और नए शब्द आए हैं, उनको भी देते हैं। अतिथियों, अतिथि आपको पता है मेहमान, अतिथि मेहमान के लिए प्रयुक्त किया गया। फर्न, फर्न एक सजावटी पौधा होता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं, ये नया शब्द है, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था। फर, फ में रुकता, फ बच गया और ये रह इसमें आया। फर्न, फर्न एक सजावटी पौधा होता है और आपने इसे बुके में भी देखा, इसको आपने बुके में भी देखा होगा और इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर दिखती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यह अपने आप ही उग जाता है, इसे फर्न कहते हैं। फर्न एक प्रकार का पौधा है, नया शब्द ये आया है हमें। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या होता है बच्चों, विज्ञान से वैज्ञानिक बना है, जो विज्ञान जो शोध करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। विज्ञान मूल शब्द है, विज्ञान, विज्ञान से बना है वैज्ञानिक। विज्ञान एक विषय है, वैज्ञानिक वह व्यक्ति जो विज्ञान के विषय पर, किसी भी विषय पर शोध करता है, जानकारी एकत्र करता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। तो एक इसको भी लिख लेते हैं हम, ये नया शब्द है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, तो आज का गृह कार्य है आपका एक पेज सुलेख लेखन, आपको एक पेज सुलेख लेखन लिखना है तथा इस पाठ का एक फॉसिल का चित्र भी बनाना है। किसका बनाना है, एक भूरे पत्थर वाला जो फॉसिल है उसका चित्र बनाना है, बहुत आसान है। तो आज के लिए बच्चों
इतना ही, शेष हम लोग जो पाठ के हैं उसे कल करेंगे।